सुप्रभात भैया बहनों, कल हमने संस्कृत में द्वादशः पाठः समयबोधः दिनचर्या च इस पाठ के प्रथम पृष्ठ में दी गई पंक्तियों को पढ़ा और उनके अर्थ को समझा। आज हम द्वितीय पृष्ठ में दिए गए पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दशाधिक सप्तवादनम, दशाधिक मतलब दस अधिक सप्तवादनम, सात बजे से, यानी सात बजे से दस मिनट ज़्यादा, मतलब सात बज के दस मिनट। घड़ी में देख सकते हैं आप, सात बज के दस मिनट हो रहे हैं। राजेश कदा रोटिकां खादति, राजेश कब रोटी खाता है, अर्थात राजेश कब भोजन करता है सुबह का। राजेश दशाधिक सप्तवादने रोटिकां खादति, राजेश सात बज के दस मिनट में रोटी खाता है। ठीक है, आगे देखिए। पादोन अष्टवादनम, पादोन अष्टवादनम मतलब आठ बजने में पंद्रह मिनट जब होते हैं तो क्या कहते हैं उसको, पादोन अष्टवादनम। राजेश कदा विद्यालयम गच्छति, राजेश कब विद्यालय जाता है, राजेश पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छति, राजेश पौने आठ बजे मतलब जब आठ बजने में पंद्रह मिनट होते हैं तब विद्यालय जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सार्ध अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम मतलब साढ़े आठ, घड़ी में देख सकते हैं साढ़े आठ बजे है। राजेश कदा प्रार्थनाम करोति, राजेश कब प्रार्थना करता है, राजेश सार्ध अष्टवादनम प्रार्थनाम करोति, राजेश साढ़े आठ बजे मतलब आठ बज के तीस मिनट में प्रार्थना करता है। अब यहाँ देखिए ये घड़ी में कितना बजा है, नौ, नववादनम, नववादनम मतलब नौ बजे। राजेश कदा अध्ययनम करोति, राजेश कब अध्ययन करता है, राजेश नववादनम अध्ययनम करोति, राजेश नौ बजे अध्ययन करता है। ठीक है, आगे देखिए। सार्ध द्वादश वादनम, साढ़े बारह बजे, द्वादश मतलब कहते हैं बारह, वादनम बजे, सार्ध मतलब साढ़े बारह बजे। ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम साढ़े बारह बजे, देख रहे हैं आप साढ़े बारह बजे, बारह बज के तीस मिनट। राजेश कदा भोजनम करोति, राजेश कितने बजे भोजन करता है, तो राजेश सार्ध द्वादश वादनम भोजनम करोति, राजेश साढ़े बारह बजे मतलब बारह बज के तीस मिनट में भोजन करता है। आगे देखिए घड़ी में कितना बजा है, तीन, त्रीणी वादनम, तीन बजे, कितने बजे हैं, तीन बजे। राजेश कदा क्रीडति, राजेश कब खेलता है, राजेश त्रीणी वादनम क्रीडति, राजेश तीन बजे खेलता है। ठीक है, तो ये था दूसरे पृष्ठ में दी गई पंक्तियों को किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार उसके अर्थ को समझें। आज आपको इन पंक्तियों को पढ़ने का अभ्यास करना है और इनके अर्थों को समझना है। कल हम इससे आगे के पृष्ठ में दी गई पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। धन्यवाद।